देखिए मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, ये अनुराग भदौरिया से इतनी बार सवाल पूछा जा रहा है, और केवल अनुराग भदौरिया से नहीं, इनकी पार्टी के कई प्रवक्ताओं से पूछा गया, लेकिन इनके पार्टी के प्रवक्ता करे पार्टी इंटरनल इंक्वायरी करा रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मोहित खान जो इनकी पार्टी का नगर अध्यक्ष है, कोई छुटभैया नेता नहीं है, नगर अध्यक्ष है, बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है, साइकिल पर बड़ा सवार इनका है, उसको अब तक पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया है, उसके खिलाफ कोई बयानबाजी देने को तैयार नहीं है, उसके पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं कि नार्को टेस्ट करा लो क्योंकि लड़की झूठ बोल रही होगी, डीएनए टेस्ट करा लो क्योंकि लड़की झूठ बोल रही होगी। लड़की का चरित्र हनन करने का ये घिनौना काम समाजवादी पार्टी के लोग लगातार कर रहे हैं, इनकी पार्टी के मुखिया से लेकर के इनके पार्टी के सारे प्रवक्ता एक बार नहीं कह रहे हैं कि इस मोहित खान को पार्टी से धक्के मारकर बाहर निकाल रहे हैं, हम इसको बर्खास्त कर रहे हैं, इसको निलंबित कर रहे हैं, ना सवाल ही नहीं उठता, चुप्पी साध रखी। और ये सवाल कांग्रेस भी नहीं पूछ रही है कि मोहित खान को बाहर करो भाई, आप गठबंधन में आपके साथ है, ये छींटे हम पर भी आ रहे हैं, ये मोहित खान को बाहर निकाल कर करो, क्योंकि मोहित खान को बाहर निकाल देंगे तो कांग्रेस पार्टी के लिए भी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को भी यही मजहबी तुष्टिकरण करना है, उनको भी यही वोट बैंक छीनना है, इस वोट बैंक के सामने मुसलमान होता है, ऐसी सामने आएंगी। अब मैं मानता हूं इस तरह का सर्वनाक भयान शिवपाल यादव से क्या अपेक्षा कर सकते हैं, निठारी नरसंहार जैसे एक भयानक घटना के बाद निठारी नरसंहार के मामले में शिवपाल यादव के बयान को उत्तर प्रदेश भूला है क्या, जो कह रहे थे कि छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, शिवपाल यादव हर अपराधी के साथ खड़े हो जाते हैं, इसलिए हो सकता है उनको कुछ जानकारी हो, उनके अपराधियों के साथ जिस तरह के संपर्क है ना, हो सकता है शिवपाल यादव को जानकारी हो कि इससे पहले कौन कौन सी घटनाएं कराने वाले हैं, लेकिन मैं शिवपाल यादव को आज तक के माध्यम से बहुत चेतावनी देकर के बता रहा हूं, अपने अपराधियों को सावधान रहने के लिए कह देना, गलती से अपराध किया ना तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। और ये एमएच खान का देखिए कैसे दिल पिघल रहा था कि उसको दो दो सजा मत दीजिए, उसके बुलडोजर मत चलाइए, गिरफ्तार कर लिया है बस इतने पे ही रोक दीजिए, बुलडोजर मत चलाइए, खान साहब परेशान मत होइए, पूरी गति से बुलडोजर चलेगा, हर उस संपत्ति पर चलेगा जिस संपत्ति पर चढ़कर के ऐसे लोग क्रूर अटैक करते हैं, बच्चियों को डराने का काम करते हैं, गरीब बच्ची थी, मासूम बच्ची थी, बेकरी में उसको ब्रेड देने के बहाने बुला करके गैंगरेप किया गया, पीड़ित के परिवार की क्या बयान सुनकर के आपके कलेजे नहीं कांपते हैं, क्या आपके रोए नहीं खड़े हो जाते हैं पीड़ित बच्ची के उनके परिजनों के बयान सुनकर के, इतना कैसे संवेदनहीनता ले आते हैं, क्या आत्मा मर चुकी है आप सबकी, अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके कम से कम मानवीय संवेदनाओं के साथ देखिए, बार बार कह रहा हूं आप घटनाओं का जिक्र जवाब दीजिएगा, सब घटनाओं में कार्रवाई की है, कोई हमारा तुम्हारा नहीं है, अपराधी अपराधी होगा। आ रही है उसके बाद, अच्छा जवाब तो ले लीजिए एमएच खान साहब, अब फिर नाटक क्यों कर रहे हो, फिर आप लखीमपुर खीरी आपका बुलडोजर क्यों नहीं गया बताइए आप, बुलडोजर लखीमपुर खीरी में रोक दिया गया था थाना रोकने का, बोलने दीजिएगा आपका बुलडोजर आप बताइए ना, वहाँ बुलडोजर क्यों नहीं गया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अर्पिता जी बोलने दीजिएगा, बोलिए सर बोलिए, अर्पिता जी मुझे मौका दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, बोलिए सर एमएच खान साहब, अर्पिता जी बोलिए मुझे मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तीन बार आपका नाम ले लिया, आवाज नहीं जा रही है, क्यों नहीं गया, नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये कह रहा मैं राकेश त्रिपाठी मेरा नाम ले रहे हैं तो किस बात के लिए नाम ले रहे हैं, जब मैं कह रहा हूँ कि कार्रवाई सही हुई है, जब कह रहा हूँ कि कार्रवाई सही हुई है और दो महीना से दो कार्रवाई इधर उधर घूम रही थी, नहीं आप कह रहे दो कार्रवाई नहीं हो रही, बुलडोजर चलने से आपको डर लग रहा है, आपको पीड़ा हो रही है बुलडोजर चलने से, इसलिए मैं कह रहा हूँ बुलडोजर, और आप तो संजीदा व्यक्ति हैं, आप तो संजीदा व्यक्ति हैं, अब अभी कहाँ थे तुम भाई, बिल्कुल बुलडोजर चलेगा, एकदम बुलडोजर चलेगा, आप समझ लीजिए इस बात को, क्यों क्यों कोष्ट हुए थे कुंभकर्ण की नींद में, तब नहीं आ रहा था बुलडोजर याद आपको, आपको लखीमपुर कोई कुंभकर्ण की नींद में नहीं याद आया, कोई कुंभकर्ण की नींद में पूछे मायावती जी को, पूछे मायावती जी को क्यों नहीं गई, आते पिछले सात साल से मैं बता रहा हूं, पूछे डॉक्टर जी मायावती जी को क्यों नहीं गई, सवाल उठा रहे हैं, इसलिए लखीमपुर में बुलडोजर नहीं किया, विशेष जांच से आता हूं, लखीमपुर में बुलडोजर क्यों नहीं, शर्म नहीं आती है, राकेश त्रिपाठी झूठ बोलो, कम बोलो झूठ, लोगों को रोन दिया गया था, झूठ बोलो राकेश त्रिपाठी, चार लोगों को, अनुराग मुदालिया से डिबेट चल नहीं पा रही है, ये आप रोज का नाम नहीं आ रहा, लगातार अपनी बारी में मैं कह रही हूँ, लेकिन आप लगातार बोलेंगे, आप खाली अब आप ये करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप इसका इंतजार करते ही नहीं हैं, अपने चाचा मोहित खान को पार्टी से बाहर निकालोगे कि नहीं ये बताओ, नहीं अनुराग भदौरिया बताए अपने चचा मोहित खान को पार्टी से बाहर निकालोगे कि नहीं, कार्रवाई नहीं करोगे क्या, अगर पार्टी से ये निकाल दें तो आप कार्रवाई नहीं करोगे, कार्रवाई तो कर ही रहे हैं, वो तो जेल भेज ही दिया है, वो तो हमने जेल भेज ही दिया है, हमने जेल भेज दिया, आप चिंता मत करिए, हमने जेल भी भेजा है, पूरी तरह से सजा जेल भेजना आपका काम है, भेजिए, जेल भेज चुके हैं, जेल भेज चुके हैं, आप चिंता मत करिए, गलत है, नहीं पूछे ना, ठीक है एमएच खान साहब।
कितने लोग गए हुए शामिल थे? ये सवाल पंकज श्रीवास्तव भी नहीं पूछेंगे कि मोहित खान को पार्टी से बाहर क्यों निकाला? बाहर क्यों नहीं निकाल लीजिए सवाल प्लीज सर। एमएस खान साहब रुक जाइए एक सेकंड, पंकज जी आ रही हूँ सम्राट बतौरे से एक छोटा सवाल। मैं से पूछ रहा हूँ बुलडोजर इनका लखीमपुर खीरी क्यों नहीं गया था भैया? चार लोगों को रोन दिया गया था, बुलडोजर नहीं गया? कहाँ था बुलडोजर? गड़बड़ा गया था क्या कि उसका टिकट खत्म हो गया था? पार्टी से बाहर निकालोगे कि नहीं? घटना हुई थी कौन लोग चाचा मोहित खान को पार्टी से बाहर निकालोगे कि नहीं? वहां बुलडोजर जो क्या सवाल है ये जनता सवाल पूछ रही है, ये साइकिल पर बैठा कर क्यों घुमा रहे हो? मोहित खान की घटना में मोहित खान को साइकिल से उतार बीच नहीं अनुराग बताने का है कि कोई सवाल पूछ रहे हैं जवाब एक दूसरे को देना नहीं, और आप लोग ऐसे करके एक दूसरे को ही मौका दे देते हैं कि जवाब ना दिया जाए। ठीक है पंकज श्रीवास्तव को मैं जोड़ना चाहूंगी, सवाल का जवाब देना हो तो मैं आऊंगी, अगर ऐसे तूतू मैं करना है तो कोई मतलब नहीं बनता सर, कोई मतलब नहीं बनता। बात कर रहे हो, न्याय नहीं दिलाना है, राजनीति करनी है। ठीक है हम न्याय दिलाने की बात पंकज श्रीवास्तव और डंके की चोट पे कह रहे हैं ऐसे हैवान जिसने हैवानियत की है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ठीक नहीं क्यों रुके हैं ये झूठ बोलने वाले लोग, ये झूठ बोल रहे हैं, सरकार इनकी पुलिस इनकी प्रशासन इसका दोषी समाजवादी पार्टी क्या बेशर्मी है भाई? क्यों छुप रहे हो भदौरिया? हैवानियत जो जिसने हैवानियत किया उसको मोहित खान को पार्टी से बाहर निकालोगे नहीं? खबर बता रहे पंकज श्रीवास्तव क्या उसके जी? देखिए अभी सवाल पूछा है भाजपा के प्रवक्ता ने, मैं बिल्कुल मानता हूं कि जो भी इस तरह के अपराधी हैं उनको राजनीतिक जीवन में उनका कोई स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन आप तय कर लीजिए कि आरोप लगते ही ये हो जाना चाहिए या अपराध साबित होने या दोषी होने पर होना चाहिए, क्योंकि अभी आपके भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री देश के बहुत बड़े नेता येदुरप्पा साहब पे पॉक्सो एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न का रेप का आरोप लगा है, पार्टी से तो नहीं निकाला गया। हमारे देश के लिए मेडल जीतने वाली हरियाणा की कितनी महिला पहलवानों ने जंतर मंतर दिल्ली पे महीनों धरना दिया, कहा कि हमारा यौन उत्पीड़न किया इनके ब्रजभूषण शरण सिंह, पार्टी से निकाल दिया क्या? निकाल दीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आरोप लगते ही निकालने की अगर व्यवस्था बने और सब पर लागू हो। नहीं आप बताइए, आप बताइए, आपने येदुरप्पा को पार्टी से निकाला, ब्रजभूषण शरण सिंह को निकाला, कितने लोगों पे आरोप लगा आपने लगाया? अगर आप करें तो आपको मांग करने का पूरा हक है कि जैसे ही आरोप लगे आप भी चाहते हो मोहित खान को पार्टी से बाहर नहीं निकाला जाए, आप भी चाह रहे हो ना मोहित खान को पार्टी से बाहर नहीं निकाला जाए? आप बताइए जनता देखो, आपकी जनता देखो, राकेश त्रिपाठी वो सीधा सवाल है, वो ये कह रहे भाई आपके भी जो नेता हैं उनका भी आरोप लग रहे हैं, आपने किनको पार्टी से निकाल दिया? अगर आप नहीं निकाल रहे तो यहाँ समाजवादी पार्टी से पूछने का भी नहीं बनता। हमने हटाया है, आपको कोई अधिकार नहीं है। सैकड़ों उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, जितने आरोप की चर्चा किए हैं, जितने आरोप की चर्चा किए जिन पर आरोप लगे हैं जब तक जांच हुई है पार्टी कभी उनके साथ खड़ी है? भाई पार्टी कभी ऐसे किसी आरोपी के साथ खड़ी नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह को कब निकाला पार्टी से? ब्रजभूषण शरण सिंह को पार्टी से ब्रजभूषण शरण सिंह पार्टी से पार्टी से टिकट पार्टी से टिकट आपके राहुल गांधी स्वयं जवाब पर रिहा है, सोनिया गांधी स्वयं जवाब पर रिहा है, पूरी पार्टी साफ हो जाएगी, पूरी पार्टी साफ हो जाएगी आपकी भाई। राहुल गांधी जमानत पर रिहा है, बेल भर के बाहर है, बेल पर बाहर आ रहा है, सोनिया गांधी जेल पर बाहर है, पूरी पार्टी खारिज हो जाएगी, पूरी पार्टी खत्म हो जाएगी आपकी, आपकी पूरी पार्टी खत्म हो जाएगी भाई। राहुल गांधी भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर बाहर है, पूरी पार्टी बाहर हो जाएगी। पंकज जी आप 30 सेकंड में अपने सवाल पूछ लीजिए, 30 सेकंड में कंप्लीट कर लीजिए, मैं राकेश त्रिपाठी से उसका जवाब लूंगी। ठीक है पंकज जी सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो, सीधे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हो, आरोप लगे पार्टी से निकालो और दूसरों से मांग करो। सीधे सवाल का जवाब दे रहा हूँ, राकेश त्रिपाठी से कहिए पार्टी छोड़ दे, बेल पर बाहर है, निकालो बेल पर बाहर है, इस समय निकालो बाहर, हिम्मत है। अरे तो करो कार्रवाई, चली गई थी, अरे कार्रवाई सजायाफ्ता हो गई थी, भेजो जेल राहुल गांधी हो गए थे भाई, राहुल गांधी को कोर्ट ने ट्रायल करके भेजो जेल, बाहर क्या होता है, भेजो जेल, नहीं सजा हो गई थी भाई, राहुल गांधी को सजा हो गई थी, उनकी सदस्यता चली गई, ऐसे अपराधी राहुल गांधी को पार्टी का सिरमौर बना रखा है, जननायक जननायक घूम रहे हो, राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक सब इस समय बेल बोर्ड पर बाहर है, सब बेल पर बाहर है, सब बेल पर। मैं पंकज श्रीवास्तव में जानता हूँ राहुल गांधी को।